थोड़ा थोड़ा सा ऐसे खाली कर ले ताकि जो चीफ गेस्ट आए फिर आपके दरमियान खड़े हो जाए। चलो समीर और मैं नजमा काजी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे जो लड़के हैं 1968 के गोल्ड मेडलिस्ट, ये उनकी बेटी है नजमा काजी। और ये जो आपकी तस्वीरें बन रही है ये आपका रिकॉर्ड है कि आप इस ट्रायल का हिस्सा है, तो तस्वीरें वगैरह ये सब बनाए आप। आपको बताता चलूं कि ये हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे तीन दफा के मोहम्मद नवाज शरीफ, ये उनका जो इनिशिएटिव था, लेकिन जब वो गए तो साथ में ये भी किया, तो ये बड़े खुशाइन कमर है कि ये दोबारा वापस आ गया है। और हम हायर एजुकेशन कमीशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो इसको सारा मास्टरमाइंड कर रहा है, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल असिस्टेंट है जनाब रहमान रहीम जी, बहुत शुक्रिया के चरसदा आप लोगों ने इनवाइट किया, इन बच्चों से मुलाकात का हमें शर्फ भी हासिल हुआ। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और आगे शिजा फातिमा साहिबा जो इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं और आगे करवा भी रही हैं पूरे पाकिस्तान में, तो मैं समझती हूँ कि ये मुबारकबाद के हकदार हैं ये लोग जो इस सारे सिलसिले को लेके आगे चल रहे हैं। और अभी हम प्रेयर से मिल के आए, उनमें इस गर्मी के बावजूद एक जोश, एक जज्बा और कुछ करने की नज़र आई जस्तजू, तो मैं इनको नेक ख्वाहिशात का भी इजहार करना चाहूँगी। और जैसा कि आपने कहा कि हम मैं भी खिलाड़ी रही हूँ, तो मैं हॉकी की तो नहीं लेकिन बेसबॉल और बैडमिंटन की मैं खेला करते थे हम लोग, वैसे हम सियासत के खिलाड़ी हैं। मेंबर प्रोविंशियल असेंबली एक्स आमना सरायगा, वो फूल चुके मुरझा जाते हैं, लेकिन ये जाते ही आप लोगों ने ये प्लांट्स लगाने अपने घर में, आप तनख्वाह की से 10 साल बाद पूछेंगे। चिनार भी है हमारा, ओके। सरदार शील के लिए तशरीफ लाएं जी। ये आप ट्रायल्स के लिए गए थे खैबर पख्तूनख्वा,